मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार शाम छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज देखी। मुख्यमंत्री कांग्रेस की कार्यशाला के बाद मंत्रियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ फिल्म देखने पहुंचे थे। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूलन द मेज फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। निर्देशक मनोज वर्मा की यह छत्तीसगढ़ी फिल्म प्रख्यात साहित्यकार संजीव बक्सी के उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है। पिछले साल इस फिल्म ने क्षेत्रीय भाषा की श्रेणी में बेस्ट फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। नई फिल्म नीति लागू होने के बाद सरकार ने इस फिल्म को 1 करोड़ रुपए का अनुदान भी जारी किया है। क्षेत्रीय भाषा और मुख्य धारा की फिल्म नहीं होने की बात कहकर शुरुआत में भूलन द मेज को स्क्रीन नहीं मिल रही थी। राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने के बाद इसे देश भर में 100 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। पिपली लाइफ में नत्था का अमर किरदार निभा चुके ओमकार दास मानिकपुरी इस फिल्म में लीड रोल में है। यह फिल्म मौजूदा न्याय व्यवस्था की विडम्बना पर केंद्रित है। यहाँ के जंगलों में उगने वाली एक कंद भूलन कांदा की तरह है। कहा जाता है कि भूलन कांदा पर पैर पड़ गया तो आदमी रास्ता भूल जाता है, वही आदमी सही रास्ता तब तक नहीं पाता जब तक उसे दूसरा व्यक्ति छूकर ना जगा दे। इंटरवल तक पिक्चर देखा, बहुत अच्छा बना है। ग्राम्य जीवन पर बना है, ग्रामीण व्यवस्था पे बना है, किस प्रकार से गांव की व्यवस्था होती है उस पे, और भूलन कांदा जंगलों में जो पाया जाता है उस पे स्टोरी है। लेकिन जिस प्रकार से वो उसके जो हीरो है पकला और शहर में आके किस प्रकार से गोल गोल चक्कर लगा रहा है, दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, उसके बारे में अभी तक के देखने को मिला है। बहुत अच्छा फिल्मांकन भी है और कलाकार भी बहुत अच्छे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, और मैं समझता हूँ कि पिक्चर देखने के लायक है।